निराला है मेरे नाथ आपकी गोदी में, ऐसा क्या लुत्व निराला है सरकार आपकी गोदी, जो भाग भाग के पड़ता है संसार तुम्हारी गोदी में। मन में देख लेती थी, प्रभु के विरह में पागल सी मीरा, न जाने कहां से बोले न देख लेती थी, जन कौन सो ममीरा लगाए ती मीरा, जने नमूद के भी घन श्याम देख लेती थी। ऐसा दयालु तू है भगवान, गोदी में जगह मुझको भी दे। अब ब्रजेश कुमार ग्राम पतरई के आए रहे तुम्हारी गोदी में, ऐसा क्या प्रेम निराला है भगवान आपकी गोदी में, जो भाग भाग के पड़ता है संसार आपकी गोदी। मेरे भगवत प्रेमियों, आज हम आप लोगों के समक्ष शर्मा कैसेट के माध्यम से परम भक्त श्रवण कुमार का इतिहास सुनाएंगे। किस तरीके से भक्त श्रवण कुमार ने अपने मां बाप को तीर्थ कराने के लिए ले गए और हमारे हिंदुस्तान में कैसे कैसे भक्त पैदा हुए, तर्ज राधे श्याम में इस कथा को हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अवधपुरी के बीच में एक राजा दशरथ राज्य करते थे। वो कैसे राजा थे, जो अपनी प्रजा को मित्रों निज प्राण समान समझते थे, दुखियों को सुख पहुंचाने में, दुखियों को सुख पहुंचाने में अपना कल्याण समझते थे, जो अपनी प्रजा को मित्रों निज प्राण समान समझते थे, दुखियों को सुख पहुंचाने में अपना कल्याण समझते थे।
राजवंश साथियों, राजा दशरथ जो थे बड़े ही धैर्यवान राजा थे। एक दिन की बात है कि भक्त श्रवण कुमार वहां से चला और महाराज दशरथ की कचहरी में जब पहुंच जाता है श्रवण कुमार, तो दशरथ जी के पास में बैठे हुए गुरु वशिष्ठ को देख करके श्रवण कुमार हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम करने लगा। क्या बोला? सबसे पहले प्रणाम मेरा है पूज्य पिता और माई को, दूजा प्रणाम मैं करता हूँ निज जन्म भूमि सुखदाई को। तीजा प्रणाम है प्रेम सहित पृथ्वी को और परमेश्वर को। चौथा प्रणाम गुरु वशिष्ठ को, पंचम दशरथ राजेश्वर को। इस तरीके से जाकर के भक्त श्रवण कुमार ने जैसे ही गुरु को प्रणाम किया तो श्रवण कुमार की सूरत को देख करके गुरु वशिष्ठ कहने लगे, बेटा श्रवण कुमार मेरे पास आओ। निज माता पिता के परम भक्त तो बेटा मेरे पास आइयो। जिस समय श्रवण कुमार को देखा तो गुरु वशिष्ठ कहने लगे, बेटा श्रवण कुमार आज तुम हमारे पास कैसे आए हो मेरे लाल? तो श्रवण कुमार गुरु वशिष्ठ के पास में बैठ करके हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज और तो कोई बात नहीं लेकिन एक दुख मुझे खाए जा रहा है। वो कौन सा दुख है? तो श्रवण कुमार आंखों में आंसू लेकर के जवाब देने लगा, सुनो गुरु जी, अंधे हैं मेरे मात पिता महाराज आप तो जान रहे, अंधे हैं मेरे मात पिता महाराज आप ये जान रहे, उनकी हालत को देख देखिए प्राण महादुख मान लगा। गुरुजी ये तो आपको पता है कि हमारे मां बाप के नेत्र चले गए, लेकिन मेरी बात सुनो, अंधन की आंखें खुल जावे कोई ऐसी दवा बता दीजो, मैं इसीलिए यहां आया हूं की जो याद कृपा की जो। बन गई थी बेटा की लीली लार पे नहीं जाए। मेरे भगवत प्रेमियों,
जिस समय श्रवण कुमार ने आंखों में आंसू लेकर के ऐसे शब्द कहे, गुरुजी और तो कोई बात नहीं लेकिन हमारे माँ बाप अंधे हो गए हैं, कोई हमें ऐसी दवा बताओ जिससे हमारे माँ और बाप के नेत्र खोल सके। तो गुरु वशिष्ठ कहने लगे, बेटा श्रवण कुमार ये तुम्हें पता है कि तुम्हारे माँ बाप के नेत्र चले कैसे गए? तो श्रवण कुमार कहने लगा, गुरुजी मुझे नहीं पता। वशिष्ठ कहने लगे कि बेटा जब तुम्हारे पिताजी शादी करने के बाद घर आए, काफी दिनों के बाद देखा कि तुम्हारी मां की कोख से जब किसी बालक ने जन्म नहीं लिया तो तुम्हारे मां बाप ने एक निर्जन वन में जाकर के भगवान का भजन किया, यहां तक किया कि ब्रह्मा जी जब सामने आ जाते हैं तो कहने लगे, कहो तुम क्या चाहते हो, हमसे वरदान मांगो, हम बहुत ज्यादा खुश हैं। तो आंखों में आंसू लेकर के तुम्हारे पिता ने जवाब दिया ब्रह्मा जी को, क्या बोले? ए रोए के दोनों बोले उठे, मो पे टूटी आज होनी, एक बेटा के पीछे राजन मेरी है जागा दी सुनी, जवाब दिया, देखो ब्रह्मा जी मेरी बात सुनो, हाथी जैसे दंत बिना और ज्ञान जैसे संत बिना, कामिनी एक कंथ बिना लागत बिहूनी है, जैसे वस्त्र बिना सूरमा एक शस्त्र बिना, माया एक पुत्र बिना लागे चार छूनी है। मेरे नौजवान साथियों, खुले शब्दों में जब ऐसे शब्द कहे तो ब्रह्मा जी ने जवाब दिया कि देखो तुम्हारे बेटा तो पैदा हो जाएगा लेकिन एक शर्त है हमारी तुमसे, क्या शर्त है? तो ब्रह्मा जी ने जवाब दिया कि देखो ये शर्त है, कौन सी? तुम पुत्र जन्म के होते ही दोनों अंधे हो जाओगे, जो है तुमको तो पुत्र शीघ्र तुम पाओगे। स्वीकार यदि जो है तुमको तो पुत्र शीघ्र ही पाओगे। मेरे नौजवान साथियों, ब्रह्मा जी ने खुले शब्दों में कहा कि देखो तुम्हारे बेटा तो पैदा हो जाएगा लेकिन यह शर्त है कि तुम्हारे पुत्र पैदा होते ही तुम्हारे नेत्र चले जाएंगे। तो गुरु वशिष्ठ समझाने लगे कि बेटा श्रवण कुमार, तुम्हारे पिता ने यह स्वीकार किया कि हमारे बेटा पैदा होने के बाद अगर हमारे नेत्र चले जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बेटा के पीछे जीवन अधूरा है और तुम्हारा जन्म होते ही होते तुम्हारे मां बाप के नेत्र चले गए थे। श्रवण कुमार रोकर के कहने लगा, गुरु जी आज मुझे पता चला कि मैं अपने मां बाप का भारी कर्जेदार हूं। हाँ आज हमें ये ज्ञात हुआ इस जग में दुखी अपार हूं मैं, माता का और भारी कर्जेदार हूं मैं,
शब्दों में जब श्रवण कुमार ने कहा कि महाराज अगर मेरे माँ बाप के नेत्र सही नहीं हुए तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा। श्रवण कुमार की बात को सुनकर के गुरु वशिष्ठ ने कहा बेटा श्रवण कुमार परेशान होने से कुछ नहीं होगा, अगर तुम अपने माँ बाप के नेत्र सही करना चाहते हो तो मेरी एक बात सुनो। क्या? तुम्हें अपने मात पिताजी को और बेटा तीर्थ कराइयो तुम काशी प्रयाग बद्र कयाश्रम सब ही शुभ धाम घुमाइयो तुम। तुम्हें अपने मात पिताजी को और बेटा तीर्थ करो तुम काशी प्रयाग बद्र कयाश्रम सब ही शुभ धाम घुमाइयो तुम। अपने माँ बाप को जितने भी तीर्थ हैं वो करवाओ, मुझे ऐसा ही नहीं अपित पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे माँ बाप के नेत्र सही हो जाएंगे। इस बात को सुनकर के श्रवण कुमार चलने लगा और जाकर के अपने आंगन में पहुंचा। श्रवण कुमार की पत्नी विद्या देवी ने जब अपने पिया को आत्मभयो देखो तो उठ करके खड़ी हो गई और क्या किया उस पतिव्रता ने, खुशी भई भारी गए हाथ बलम को ले गई जा प्राणन भैया प्यारी। आइए महाराज जन सुंदर आसन डार ले बैठारे बलम हितकारी ले बेजना ढोरत ब्यारी अंगारू ठारी। हितकारी बलम हितकारी ले बिजना ढोरे ब्यारे अंगारू ठाड़ी पंखा लेके ढोरत ब्यारे अंगारू ठाड़ी। मेरा नौजवान साथियों जिस समय देखा है विद्या देवी ने श्रवण कुमार को सुंदर आसन डाल करके बैठा लिया। वैसे तो कुछ लोग कहते हैं कि श्रवण कुमार के पिता का नाम था उद्धव जी और इनकी माँ का नाम था ज्ञानवती। वैसे भागवत में ये आया है कि श्रवण कुमार के पिता का नाम शांतन था और इनकी माँ का नाम था ज्ञानवती। वैसे चंद्रकला लोग बताते हैं और विद्या देवी श्रवण कुमार की पत्नी का नाम था। श्रवण कुमार अपने माँ बाप के पैर दबाने लगा और पैर दबाते ही दबाते जवाब दिया पिताजी आज हम ऐसी औषधि देख करके आए हैं जिससे हम तुम्हारे नेत्र सही करेंगे। तो अंधे पिताजी कहने लगे कहो बेटा आज तुम कौन सी औषधि देख करके आए हो। तो श्रवण कुमार ने जवाब दिया पिताजी जितने भी तीर्थ हैं हम तुम्हें तीर्थ करवाएंगे और तीर्थ करने के बाद में तुम्हारे नेत्र जैसे के तैसे हो जाएंगे। तो दोनों आज अपने बेटा को समझाने लगे कि देखो बेटा बात तो तुम्हारी सही है लेकिन उसमें भी एक कारण है। क्या कारण है? औषध तो अच्छी है लालन पर बड़ा कठिन इसका करना, हम दोनों बुढ़े अंधे हैं कई मार्ग बीच होगा मरना। हम दोनों बुढ़े अंधे हैं कई मार्ग बीच होगा मरना। नौजवान साथियों अंधे और अंधी कहने लगे बेटा दवाई तो तुम बहुत अच्छी ढूंढ के लाए हो लेकिन कारण यह है कि हो सकता है कि हमने तीर्थ नहीं कर पाए और तीर्थों को करते ही करते कहीं बीच में ही खत्म हो गए तब तुम क्या करोगे। श्रवण कुमार ने जवाब दिया पिताजी चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम तुम्हें तीर्थ करवा के तभी लौट करके आएंगे। श्रवण कुमार और उसकी पत्नी जब दोनों पैर दबाने लगे तो श्रवण कुमार का साला आ गया और जब उस साले ने देखा हमारी बहन जो है इन अंधे और अंधी की पैर दाब रही है, क्या जिंदगी है मेरी बहन की, मैंने अपनी बहन इसलिए नहीं दी थी
कि न अंधे और अंधी की खुशामद करे। अब तो विद्या के भाई को तामस ने आने दबाया है और बड़े जोर से चिल्ला कर बहनोई से बतलाया है। मेरी बात सुनो, क्यों जी बिल्कुल नहीं सुनते हो, क्या रहे तुम्हारे कान नहीं, हम कब से खड़े पुकार रहे लेकिन तुमको कोई ध्यान नहीं। शब्दों में जवाब दिया बहनों साहब, मैंने अपनी बहन इसलिए नहीं दी थी कि तुम्हें अंधे और अंधी की सेवा करवाओ। सरवर कहने लगा, साले साहब आप बातें कैसी कर रहे। जवाब दिया, मैं बिल्कुल सच कह रहे हैं, मेरी बहन इन अंधे और अंधी की कभी सेवा नहीं कर सकती। तो सरवर कुमार कहने लगा, साले साहब मेरी बात सुनो, दुनिया में कोई धन चाहे कोई संतान का भूखा है, मुक्ति की चाह किसी को है कोई सम्मान का भूखा है, साले साहब संसार में कोई धन चाहता है, कोई वैभव चाहता है, कोई सुख चाहता है, कोई इंसान और संतान चाहता है, लेकिन मैं कुछ नहीं चाहता, लेकिन श्रवण अब कुछ भी न चाहे, मां बाप की सेवा प्यारी है, मां बाप समान मेरो जग में अब कोई नए हितकारी है। श्रवण कुमार कहने लगा, साले साहब मां बाप और जवानी जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलते हैं और तुम नहीं जानते हो साले साहब, जो माँ की सेवा नहीं करते वो पुत्र जन्म भर रोते हैं, भगवान को ऋण चुक जाए मगर वे माँ से ऋण होते हैं। भगवान को ऋण चुक जाए मगर वे माँ से ऋण होते हैं। जानते हो साले साहब, मां को पृथ्वी से बड़ा माना गया है, पिता को आकाश से ऊंचा माना गया है, दाती को पीस करके कहने लगा, तो इसका मतलब यह है तुम्हारे लिए सब मां बाप ही है, हमने तुम्हें अपनी बहन दी तो हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं हुए। श्रवण कुमार कहने लगा, साले साहब अगर कोई धनी आदमी हो तो वो 500 शादी कर सकता है, और 500 शादी करने के बाद में अगर दो दो भाई हो तो 1000 साले तो मिल सकते हैं, लेकिन मां बाप जिंदगी में कभी नहीं मिलते। अब तो वो सोचने लगा, कोई ऐसा बहाना बनाया जाए जिस बहाने से हम विद्या देवी को लेकर के अपने आंगन में पहुंचे, अगर सदा नहीं तो कुछ समय तक तो हमारी बहन को आराम मिल ही जाएगा। तो विद्या देवी के सामने जाकर के श्रवण कुमार का साला कहने लगा, बहन मैं क्यों आया हूं यहां पर। क्यों आयो भैया? जवाब दिया, सुन लागो के सुन ले मेरी बहना, तेरी मैया बीमार पर
कहना। बहन तेरी माँ बहुत जोर से बीमार है, मेरी बहन संग जो ना चल पावेगी, और जो तू करे अबार मात को ना लख पावेगी। अब तो दिल की बीती बतिया आज बहना से कह दई है, अब तो दिल की बीती बतिया आज बहना से कह दई है। मेरे नौजवान साथियों, जिस समय श्रवण कुमार के साले ने ऐसे शब्द कहे, आंखों में आंसू लेकर के विद्या देवी सोचने लगी अब क्या होना चाहिए। मैं अपने पिया के साथ में अपने ससुर और सास को तीर्थ कराने के लिए जा रही थी, लेकिन ये बीच में पहाड़ टूट पड़ा। श्रवण कुमार कहने लगा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी माँ बीमार है तो तुम जरूर चली जाओ। तो सबसे आज्ञा मांगने के बाद विद्या देवी अपने भाई के साथ में चलने लगी, और श्रवण कुमार ने इधर क्या किया, जाने कामर तुरत बनाई है, ले माता पिता बैठाई है, जाने जाने कामर तुरत सजाई है, ले माता पिता बैठाई है। तो नहीं करवा सकते, हाथी और घोड़ा लेकर के चले जाओ। तो श्रवण कुमार कहने लगा, महाराज दशरथ मेरी बात सुनो, माँ बाप के चलवे के खातिर ये पैर मेरे हाथी घोड़ा, माँ बाप के चलवे के खातिर ये पैर मेरे हाथी घोड़ा, पालकी बने दोनों कंधा दो हाथ सिपाहियों का जोड़ा। प्रभु कुमार कहने लगा, महाराज ये सच्ची मेरी प्रतिज्ञा है, हर गिद ना छूट ये सकती है, चाहे प्राण जो मेरे निकल जाए पर कामर छूट न सकती है। कहने लगा, महाराज चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मेरी कामर कभी नहीं जा सकती। जिस समय चलने लगा श्रवण कुमार, तीर्थों में इधर उधर घूमने लगा, विद्या देवी जिस समय जाकर के अपने भाई के साथ पीहर में पहुंची, तो उसने क्या देखा कि मां बीमार नहीं है। एकदम से रोने लगी और कहने लगी, ये क्या हुआ जो मेरा भाई मुझे धोखा देकर के यहां ले आया है। लेकिन भाई और भाभी की क्या दशा थी, भाई तो नित्य पिताजी को देता था लाखों ही गाली, मैया से नित उठ लड़ती थी भावज मतहीनी मतवाली। तो पिताजी को बहुत परेशान किए रहता है, और भाभी जो है मां को कई गाली सुनाती है कमबख्ती जवान से। तो विद्या देवी अपनी भाभी से कहने लगी, देखो भाभी तुम नहीं जानती क्या, सादर सास ससुर पति पूजा, सादर सास ससुर पति पूजा, तासे बढ़ के धर्म न दूजा, राम हरे।
बताया गया है कि माँ को पृथ्वी से बड़ा माना जाता है, पिता को आकाश से ऊंचा माना जाता है, लेकिन तुम अच्छा नहीं करती जो हमारी माँ को अपनी गंदी जबान से तुम गालियां सुनाती हो। इस तरीके से विद्या देवी ने समझा करके अपनी भाभी को बताया और उन्हें ज्ञान दिया है। तो विद्या देवी सोचने लगी अब क्या होना चाहिए। काफी दिन जब बीत गए, जब विद्या देवी को यह पता चला कि हमारे पिया जो है हमसे बगैर पूछे ही, बगैर कहे ही, बगैर कोई खबर दिए ही पालकी को लेकर के चले गए, तो रोने लगी और क्या बोली, चोरी चोरा चले गए बड़े चोर निकले, चोरी चोरा चले गए बड़े चोर निकले, चोरी चोरा चले गए बड़े चोर निकले। चोर निकले तुम कठोर निकले, चोरी चोरा चले गए बड़े चोर निकले, चोरी चोरा चले गए बड़े चोर निकले। घूमने लगी, लेकिन विद्या देवी का भाई जो है अपने पिताजी को बहुत परेशान किए रहता है, लेकिन वो नहीं जानता कि आज का बाप अपने बेटा के लिए क्या नहीं करता। ध्यान में रखना भाइयों, आज का पिता अपने पुत्र के लिए क्या करता है जानते हो? अपनों पर धोती फटीसी लटी, लेकिन बेटा को दोहरो सूट बनावे, अपनों तो खाए रूखी सूखी और बेटा को देती घी से खवावे। आज का पिता क्या नहीं करता? कर्ज चाहे काटबो पड़े पिता को, लेकिन बेटा को बीए तक जरूर पढ़ावे, अपनों तो नंगे ही चाहे ससुराल को जाए और बेटा को बाटा को बूट मंगावे। लेकिन पुत्र क्या करता है? अब ऐसे नीच भय पैदा, अरे मेरा मर्यादा तोड़ेंगे, सौ सौ जूता खाए तमाशो घुस के ही देखेंगे, सौ सौ जूता खाए तमाशो घुस के ही देखेंगे। इधर जो है विद्या देवी जिस समय तीर्थों में इधर उधर घूमने लगी और बद्रिक आश्रम की तरफ चली है, तो इसे एक नीच मिल जाता है। और उस नीच ने जब देखा, बहुत सुंदर जा रही है ये तो लड़की, बात नहीं बातन में बोलो है तुम कौन कहां से आई हो, इतनो तो मुझे समझाए जइयो तुम कुआरी हो या प्यारी हो। आज बातन बातन बोलो है तुम कौन कहां से आई हो, इतनो तो मुझे समझाए जइयो तुम कुआरी हो या ब्याही हो। कहां से आई हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, तुम कहां रहती हो? विद्या देवी कहने लगी, भैया मैं तीर्थों में जा रही हूं। हमें भैया कह रही हो, मेरी बात सुनो। ए सुंदर नारी देख के क्या बोलो मधुरी बानी, तुम चलो हमारे संग गुइया बनाए दे पंडरानी, में आई जइयो बुलाई गई राधा प्यारी कन्हैया बरसाने में।
राजवंशा थी, जब ऐसे शब्द कहे कि तुम मेरे साथ चलो मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाएंगे, तो विद्या देवी कहने लगी, हे भगवान, अगर मैंने किसी के साथ में कोई दुर्व्यवहार न किया हो, अपने पिया की कभी आज्ञा न डाली हो, तो ये कोड़ी हो जाए, और जैसे श्राप दिया है तो वो कोड़ी हो जाता है और वहां से चला जाता है। लेकिन ध्यान में रखना भाइयों, दोष किसी का नहीं होता। आप लोग सोचते होंगे वो कैसे, छोटी पूरी कामिनी जे सबही बिसकी बोली, छोटी पूरी कामिनी जे सबही बिसकी बोली, तो सुन मारे दास जे मारे हंस खेले, तो सुन मारे दास जे मारे हंस खेले। लेकिन ध्यान में रखना भाइयों, पर नारी की प्रीति भूस की तपनी, पर नारी की प्रीति भूस की तपनी, चाहे धरो कले जो कार्य हो बिना अपनी, नौजवानों कोल्हू रूपी नारी ऐसी विधि से ज्यादा ही बनाए, गन्ना रूपी नर जा में धीरे धीरे फिर जाए, सातों रूपी हड्डियां बे मर घट में जर जाए, कोल्हू रूपी नारी ऐसी विधि से ज्यादा ही बनाए, गन्ना रूपी नर जा में धीरे धीरे फिर जाए, सातों रूपी हड्डियां बे मर घट में जर जाए, बनी मिठाई सो सीजा और भैया बनाई सो भैया। मेरे नौजवान साथियों, विद्या देवी वहां से चलने लगी और विद्या चली भाई तेरे आश्रम को, ऐसे रही जा ध्यान लगा जर बेटा तो लो तो निहारे, तब ही बेटा बोलने लगो गोरीधर सोने लग गया राजा हमारे का, और तुम को छोड़े महल नहीं आए क्यों तुम पीछे लगी हमारे, जबान साथियों, जिस समय विद्या देवी ने ऐसे शब्द कहे तो श्रवण कुमार कहने लगा, कोई बात नहीं तुम चली आई हो तो ठीक है। उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों, अंधे और अंधी ने जवाब दिया, बेटा श्रवण कुमार इस गंगा जी से थोड़ा पानी लेके आओ। श्रवण कुमार ने हाथ में कमंडल उठाया पानी लेने के लिए चलने लगा, लेकिन विद्या देवी ने हाथ से कमंडल छीन लिया और जवाब दिया कि नहीं, आप नहीं जाएंगे पानी को लेने, मैं जाऊंगी, क्योंकि इन हाथों से मैंने अपने सास और ससुर की खुशामद नहीं कर पाई। तो विद्या देवी को बहुत रोका लेकिन वो नहीं मानी, और गंगा जी से जब जल लेने के लिए गई है तो बर्फ में जाकर के जब गलने लगी विद्या देवी तो रोने लगी और कहने लगी, हे अंधे माँ और पिता, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि हाथों से मैं तुम्हें पानी तक नहीं पिला सकी। और बर्फ में गलने लगी विद्या देवी, जब कोई पेश नहीं गई तो फपक फपक के रोने लगी,
कानन प्यारे कंथा मुसीबत कौन पाप से आई रे जवान साथी हो, जब विद्या रोने लगी तो यहां तक हुआ कि विद्या देवी उसी बर्फ में गल करके खत्म हो जाती है। श्रवण कुमार को जब पता चला तो पालकी में अंधे और अंधी दोनों बेहोश होकर के गिर पड़े। श्रवण कुमार रोने लगा तो आकाशवाणी हुई, बेटा श्रवण कुमार, तुम्हारे जैसे माँ बाप का परम भक्त न हुआ न शायद कोई हो सकता है, लेकिन तुम्हारे साथ में वही हुआ मेरे लाल जो होना था। इस बात को सुनकर के दोनों अंधे और अंधी कहने लगे, बेटा हमने तीर्थ भी बहुत कर लिए हैं, अब ऐसा करो कि तुम महलों के लिए चलो। तो श्रवण कुमार हाथ में पालकी लेकर के चलने लगे। सरयू के किनारे जिस समय जाकर के पहुंचे तो अंधे पिताजी कहने लगे, बेटा श्रवण कुमार, हां मेरी एक बात सुनो बेटा। जइयो जइयो ललन कहीं से जल को भरन श्रवण प्यारे, आज प्यासा लगी दिल हमारे। मेरे नौजवानों, जब ऐसे शब्द कहे हैं बेटा श्रवण कुमार, कहीं से पानी लेकर के आओ मेरे लाल, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तो श्रवण कुमार ने हाथ में कमंडल उठाया, जवाब दिया, पिताजी तुम थोड़ी देर रुको, मैं पानी लेकर के आ रहे हैं। सरयू के किनारे जाकर के जब पहुंचे, श्रवण कुमार कमंडल डुबाने लगा। महाराज दशरथ शिकार खेल रहे थे, उन्होंने समझा कोई हिरन आ गया है। आज लेके कमंडल बेटा चले वो सरयू किनारे पहुंचो जाए, और दशरथ राजा शिकार खेले उन्होंने समझी हिरन गवाए। सीना में बेटा के धरती गिरो तमारो खाए। अरे हिलकी
करके राजा दशरथ ने जैसे तीर छोड़ा है तो श्रवण कुमार के सीना में जाकर के तीर लगा और मूर्छित होकर के श्रवण कुमार गिर पड़ा। रो करके कहने लगा, हे अंधे पिताजी और माँ, अगर हो सके तो अपने पुत्र को माफ कर देना, क्योंकि चलते समय में तुम्हें पानी तक नहीं पिला सके। मेरे भाइयों, रोने की आवाज जब सुनी तो राजा दशरथ पास में आए और कहने लगे, बेटा श्रवण कुमार, मैं नहीं समझ सका मेरे लाल, धोखे से मैंने तुम्हारे तीर मार दिया है। जब आंखों से आंसू बहने लगे तो श्रवण कहने लगा, देखो राजन, रोने से कुछ नहीं होगा, मेरे पूरे शरीर में जहर फैल चुका है, इसलिए तुम ऐसा करो, मेरे सीने से तुम तीर निकालो और मेरी एक बात सुनो। क्या? मैं तुमसे और कुछ नहीं करवाना चाहते, लेकिन मेरी बात सुनो। तुम मेरे मात पिताजी को हे राजा नीर पिला देना, मर गया तुम्हारा इकलौता पीछे से हाल बता देना, कहने लगा, राजन और तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम हमारे पिताजी को पानी जाकर के पिला देना। उसी समय जब तीर निकाला है तो श्रवण कुमार बेहोश होकर के गिर पड़ा, हाथ में कमंडल लेकर के जब राजा दशरथ अंधे और अंधी के सामने पहुंचे, जूतों की खटा खटा की आवाज सुनकर के समझ गए कि मेरा बेटा आ गया है, लेकिन चुपचाप जब खड़े हो गए तो कहने लगे कि मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा। कौन हो तुम जो तुम मुंह से नहीं बोल रहे हो? आंखों में आंसू लेकर के राजा दशरथ कहने लगे, महाराज, मैंने इन हाथों से तुम्हारे पुत्र का वध कर दिया, अब तुम अपने बेटा की बात नहीं सुन सकते। मेरे भगवत प्रेमियों, जिस समय ऐसे शब्द सुने दोनों पालक में बेहोश होकर के गिर पड़े और रो करके जवाब दिया, राजन तुमने ये ठीक नहीं किया। अरे इकलौता प्राणन बेटा प्यारो, दोनों पालकी में बेहोश होकर के गिर पड़े, आंखों में आंसू लेकर के कहने लगे, मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे, मुझे मेरे बेटा के पास में ले चलो। तो पालकी को उठा करके जब श्रवण कुमार के पास में लाए, आज अपने बेटा को गोद में लेकर के अंधी और अंधे दोनों फपक फपक के रोने लगे, बेटा मैंने तुमसे पहले ही कहा था मेरे लाल के, तुम मुझे तीर्थ करवाने मत ले जाओ, लेकिन यह क्या हुआ? ओ बेटा, ओ बेटा, तू कहाँ गयो बेटा, ओ बेटा, निका बोल सुनाए दे बेटा, एक बार बोल दे मेरे लाल, सिर्फ एक बार। और दिल मेरे में धीरज बनाए दे, क्यों चुप मेरी गोली में लेगा बेटा मेरो बछड़ा मेरो, तू कहाँ गयो बेटा, जवान साथियों रोने और चिल्लाने लगे।
जवाब दिया, महाराज दशरथ तुम चेता बनाओ, मैं अपने बेटा के साथ ही अपने प्राणों की आहुति दूंगा। तो राजा दशरथ कहने लगे, महाराज मैं तुम्हारे पुत्र के समान तुम्हारी खातिर करेंगे, तुम मेरे साथ चलो। कहने लगे, नहीं मैं अपने बेटा के साथ ही अपने प्राणों की आहुति देंगे। उसी समय मेरे भाइयों चेता बनाई गई और अपने पुत्र को गोद में लेकर के दोनों अंधे और अंधी बैठ गई। जब चेता जलने लगी, राजा दशरथ वहीं पर बैठे थे। श्रवण कुमार के पिता कहने लगे, दशरथ जी मेरी बात सुनो, जा पुत्र वियोग में लो राजन, ये जाते प्राण हमारे हैं, अब वैसे ही राजन तुम मरियो, पाए पाए के दुख करा रहे हैं। साथियों, श्राप दिया है कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जब राम और लक्ष्मण बन के लिए जाएंगे तो तुम पर वियोग ये सहन नहीं होगा और तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। राजा दशरथ तो अपनी अयोध्या में चले आते हैं और श्रवण कुमार के मां बाप और श्रवण कुमार वहीं पर समाप्त तो हो जाते हैं। मैंने जैसी जानी तैसी तानी सबको गाए सुनाई, सबको गाए सुनाई, ब्रजेश कुमार की कथा के शर्मा के सत में रही बिकाई, सुकुमार ग्राम नंदरई के सबको कथा सुनाई, श्रवण कुमार की लीला दादा जो तुम सुनो मेरे भाई, शर्मा कैसे तो अलीगंज से ले लो मित्र मंगाई, रघुनाथ सिंह के शर्मा जी ने कंठ से हमें लगायो, भरी सभा में आए
दस करिया नागिन बन के दस गई बाबा तेरी नाजलिया करिया नागिन बन के दस गई मोहन तेरी बासुरिया मेरे भगवत प्रेमियों, आज हम आप लोगों के समक्ष इस बात का भी पर्दाफाश करना चाहते हैं। आज तक आप लोग यही सोचते रहे कि ब्रजेश ने शर्मा कैसेट के माध्यम से जो भी प्रोग्राम हमें दिए हैं और प्रोग्राम करने के बाद ही हम लोगों की सेवा की, मगर ऐसा ही नहीं, हमने आप लोगों के समक्ष में श्रीमद् भागवत सप्ताह के यज्ञ के अनुष्ठान का आयोजन करने के लिए पूर्ण कोशिश की और उसमें पूर्ण रूप से सफल भी हुआ। आप लोग आज तक यही सोचते रहे कि शायद है कि ब्रजेश यही प्रोग्राम करने के बाद में हम लोगों की सेवा करते हैं। स्वामी आधार चैतन्य की तर्ज में जितने भी प्रोग्राम हैं वो भी हम आप लोगों के समक्ष प्रोग्राम देने की कोशिश करते हैं और श्रीमद् भागवत सप्ताह के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। धन्यवाद।